अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमेर भाई, कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हैं जनाब? एक दफा फिर सुल्तान के को और 2023 में जनाब हम लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या पैनल्स के रेट्स क्या चल रहे हैं मुख्तलिफ गाड़ियों के, तो स्टार्ट करते हैं। जी स्टार्ट करते हैं। अब ये टोयोटा यारिस का है, 2020 मॉडल का है। ठीक है ठीक है। इसमें फ्रेम वही होता है, सिर्फ अंदर टैबलेट चेंज होता है। टैबलेट में चार क्वालिटीज आ रही हैं, चार पांच होती हैं। ये कम से कम 12,000 से लेकर 16,500 तक होता है। कस्टमर आते हैं, हल्की चीज ले लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि चीज की क्वालिटी में क्या फर्क है। दुकानदार बस उन्हें चीज इसमें चाइना का लगेगा टैबलेट, सब चाइना के टैबलेट आ रहे हैं, लेकिन उनमें क्वालिटी अच्छी आ रही है। क्वालिटी से कैसे मसला ना? क्वालिटी वो उसमें IPS होता है, ठीक है, एमोलेड का चक्कर होता है, IPS डिस्प्ले, चार स्पीकर चलाने होते हैं, फ्रंट बैक कैमरे का होता है, उसके बाद उसके रिजल्ट को आता है, बैक कैमरा रिजल्ट को आता है। अच्छा, ये आप व्हाट्सएप पे लोगों को गाइड कर देंगे ना कि कौन से की क्या प्राइस चल रही है, सब बता देते हैं। ठीक है। और ये वाला, ये करोला 2015 का, ये सेम यारिस का ही है। अच्छा, ये उसी का, ये करोला 2015 का है। इसकी भी प्राइस 12,000 से लेकर 16,500 तक है। ठीक है। क्वालिटी वाइज में टैबलेट में सिर्फ रेट का फर्क पड़ता है, फ्रेम वही है, वायरिंग वही होती है। और इसका टैबलेट साइज क्या है? टैबलेट साइज इसका ओवरऑल 12 इंच होता है, स्क्रीन साइज 10 इंच होते हैं। ठीक है ठीक है। अभी ये करोला 10 मॉडल का है, इसकी भी प्राइस जो है 11,000 से लेकर 14,500 तक आती है। इनके फ्रेम वाइज प्राइस में फर्क पड़ जाता है टैबलेट वाइज। ठीक है। अब ये होंडा सिटी 19 मॉडल के, ये भी 12,500 से लेकर 16,500 है। इसमें भी सेम बस टैबलेट चेंज होते हैं, फ्रेम और टैबलेट का चक्कर होता है, और कोई इस पे नहीं है। ये अब आप देख लें, वैगनार का है, जापानी वैगनार का है, इसी तरह आपको पाकिस्तानी वैगनार का हर गाड़ी का मिल जाएगा। अभी आप ये देख लें प्रीमियो गाड़ी का 2005 का है, इसमें भी सिर्फ फ्रेम जो होता है ना उसकी प्राइस अप डाउन होती है, और कोई चक्कर नहीं होता। अब आजकल एग्जी करोला 1996 से लेकर 2001 मॉडल तक भी उनके फ्रेम आ गए हैं, होंडा सिटी के भी आ गए, होंडा के भी पुराने मॉडल के। ये फ्रेम होते हैं 3500, 4000, 4500, 2000, बस फ्रेम का रेट होता है, टैबलेट उसमें चेंज कर दें तो बस वो क्वालिटी। अच्छा, यानी कि मुझे जो आपकी बातें समझ आ रही है ना वो ये हैं कि हर गाड़ी के अंदर जो फ्रेम लगता है उसमें 3-4 किस्म के टैबलेट लगते हैं। एक लो क्लास लगता है जिसमें कम फंक्शन है, दो स्पीकर वो चलाते हैं, एक फुल फंक्शन वाले होते हैं, फुल फंक्शन वाले, शक्ल सबकी एक ही होती है, शक्ल एक ही होती है, चाइना भी एक ही होता है, लेकिन अंदर क्वालिटी में बहुत क्वालिटी में फर्क होते हैं चाइना के अंदर। और उनकी कोई गारंटी वारंटी कुछ होती है? जो अच्छे वाले टैबलेट है उनकी 6 मास हार्डवेयर की होती है, जो हल्के वाले होते हैं उनकी नहीं। आजकल टैबलेट मार्केट में आए हुए हैं एंड्रॉइड 12 में और 13 में आए हुए हैं, एंड्रॉइड 12 वर्जन में और 13 में। दुकानदार टैबलेट को 4.64 करके बेचते हैं, लेकिन ओरिजिनल वो होता है 1.16। उसके जब अंदर फंक्शन में जाते हैं उधर लिखा होता है 1 RAM है, उसकी 16 मेमोरी होती है। फाइल में आप जाके चेक कर सकते हैं, उसका मॉडल नंबर हर चीज सेटिंग में से चेक कर लेते हैं। इधर दुकानदार आजकल 4.64 के करके गाहक को भेज देते हैं, गाहक भी ले लेते हैं, उन्हें इन चीज़ का पता नहीं होता, वो कहते हैं सस्ता है, सस्ते में वो हल्की क्वालिटी वाली चीज़ ले लेते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता, कंप्लेन है उसमें, हर चीज़ में मसला होता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा टैबलेट आ गया, मैं तो 2 तरह के टैबलेट रिकमेंड करता हूँ कि आप वो लगाएं अच्छी क्वालिटी वाले हैं, पैसों का चक्कर नहीं होता, 2,000-3,000 फालतू हो जाए लेकिन चीज़ अच्छी लग जाए, टाइम मेरा यही होता है। अभी हल्का अगर कोई कस्टमर मुझे टैबलेट कहता है, मैं अपने भाई की दुकान से ला के दे देता हूँ, उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, मैंने गाड़ी में फिट कर दिया, उसके बाद कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। बेहतरीन हो गया उमर भाई, अपनी शॉप का नाम है, एड्रेस? दुकान का नाम है उमर साउंड सिस्टम एंड ऑटो डेकोरेशन, दुकान नंबर 3 है, गामा मार्केट कराची, रक्षावला तत्मासमाबाद चुकलाला रोड रावलपिंडी। मेरी दुकान के सामने इस्लाम टायर शॉप है, जो आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा उनका है, तो इनाम ऑटो सीट हाउस भी है, मेरी शॉप बिल्कुल उधर है।